अस्सलामुअलैकुम। TVM TV के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 27 मार्च 2024 है और हम मस्जिद जुराना आए हुए हैं बड़ी मिकात पे उम्रा के लिए, और आपको हम बताएंगे कि मस्जिद मिकात से जो है वो जुराना मस्जिद जो है वो कैसी दिखती है, वो भी हम आपको अंदर से दिखाएंगे। और हमारे साथ रहिएगा, हम 90 दिन तक आपको रोज़ाना का मक्का का व्लॉग दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मकसद आपको किसी तरीके से भी अपनी इबादत में खलल डालने का नहीं होता है। तो हमारे इस वीडियो में आपको इस्लाही बयान सुनने मिलेगा, और मक्का की ज़्यारतें जो हम उम्रे के दौरान करेंगे वो आपको दिखेंगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग, रोज़ाना का व्लॉग अच्छा लगता होगा। एक वाक्य आपके साथ बयान करता हूँ, हज़रते अनस बिन नज़र का, इनकी शहादत का वाक्य है। हज़रत अनस एक सहाबी थे जो कि ना बदर की लड़ाई में शरीक होना चाहते थे, लेकिन शरीक नहीं हो पाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। तो वो उस पर बड़े मलामत करते थे, वो बड़े मायूस थे, लेकिन वो इंतज़ार में थे कि अगर कभी मुसलमानों का कुफ्फार से मुकाबला हुआ तो अगली जंग में लाजमी उसका हिस्सा बनेंगे। तो अगली जंग तो आपको पता ही है, तो होनी थी। तो ओहद की लड़ाई दरपेश आ गई। उनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो जाए और मैं उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के लिए शहादत नोश फरमाऊँ। अच्छा, बदर की लड़ाई वही लड़ाई है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाओं को ओहद पहाड़ के ऊपर जो है वो नाफिस किया था कि कुछ लोग हैं जो कि ओहद पहाड़ पे रहेंगे और ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो हुआ कुछ यूं कि जो सहाबा कराम थे उनको ये लगा कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ये सिर्फ उस वक्त तक का है जब तक लड़ाई हो रही है। जब कुफार भाग गए तो इसका मतलब है लड़ाई ख़त्म हो गई है, तो हम जाके माले गनीमत को जमा कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जब सहाबाओं ने उन जगहों को छोड़ा तो कुफार ने उनको पीछे से, पहाड़ी के पीछे से हमला कर दिया। अच्छा, जब पहाड़ी से पीछे से हमला किया तो दोनों तरफ अब कुफार आ गए ना, और ये मुसलमान बीच में। तो हुआ ये कि हज़रत अनस ने जो एक सहाबी हैं हज़रते साद गालबन, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, उनसे फरमाया, हाँ हज़रते साद, उनसे फरमाया कि मैं उस पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने बोला था। तो हज़रत साद ने बोला कि वहाँ पे तो कुफार हैं, तुम्हारी जान को ख़तरा है। तो हज़रते अनस ने फरमाया कि खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी, काफिरों के हुजूम में घुस गए और इतने लोगों, इतने कुफार को वासिल किया, जहन्नुम वासिल किया। और जब वापस आए तो शहीद हो चुके थे और इतने जख्म थे जिस्म में कि उनकी बहन ने जो उंगलियों के पोर होते हैं उनसे पहचाना कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अच्छा, जो ओहद के बाद फिर सुलह हुदैबिया का मामला हुआ। सुलह हुदैबिया में एक हमारे सहाबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे, जिनकी बड़ी बड़ी खिदमात थी दीन के लिए, हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार उम्रे का इरादा हुआ मक्का शरीफ जाने का, जब कुफार को इस बात का पता चला तो वो उदैबिया के मकाम पे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया। और सहाबाए कराम जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान कर सकते थे, उन्होंने वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौका दिया तो अपनी जान करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम शराइत मान ली, यहाँ तक